मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो देखो भाई, आजकल के फ्री फायर प्लेयर्स लॉन्ग रेंज में एंड मिड रेंज के अंदर जैसे जैसे करके वन टैप तो कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एनिमी उनसे चिपकने की कोशिश करता है, आई मीन शॉर्ट रेंज में आता है, तो एनिमी के सामने हगने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। एनिमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी कर रही थी। क्लोज रेंज में एनिमी को वन टैप चिपकाने के लिए आपको दो तीन पॉइंट को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो फर्स्ट है शॉर्ट रेंज में आपको आपके एम को कहाँ पे रखना है, सेकंड है एनिमी को देख के आपको किस डायरेक्शन के अंदर ड्रैग करना है और किस तरह का ड्रैग को यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, और थर्ड है कोई भी ड्रैग टेक्निक आप लोग यूज कर रहे हो तो इसको यूज करते समय आपको कितनी स्पीड से यहाँ पे ड्रैग करना है, और इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। भगवान क्या जुलूम है। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको अगर आप लोग मिस कर जाते हो तो शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने में एंड सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। खाओ माँ का कसम, क्योंकि ज्यादातर फ्री फायर प्लेयर यही मिस्टेक करते हैं जिनके वजह से वो शॉर्ट रेंज में ज्यादा से ज्यादा वन टैप नहीं चिपका पाते हैं। अच्छा, तो गाइस इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको शॉर्ट रेंज के फाइट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, समझ गया। तो देखो, आप लोगों के साथ एक सिचुएशन क्रिएट जरूर होता होगा कि एनिमी आपसे बिल्कुल ही चिपक जाता है, मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज के अंदर आ जाता है, और इस सिचुएशन के अंदर आपको वन टैप कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो देखो, इस सिचुएशन के अंदर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको एनिमी से दूर यहाँ पे आपके एम को वाइड करके रखना है, और जैसे ही आप अपने एम को यहाँ पे वाइड करके रोटेशन ड्रैग का यूज करोगे, आपका इजीली वन टैप लगेगा। मुझे पता है आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो क्लिप से समझाता हूँ, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो एनिमी है वो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट रेंज के अंदर है, मेरे बिल्कुल क्लोज है। तो इस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक सुपर जंप लिया और अपने एम को यहाँ पे एनिमी से दूर वाइड करके रखा, और जैसे ही मेरा एम यहाँ पे वाइट हुआ, मैंने रोटेशन ड्रैग का यूज किया और यहाँ पे देख सकते हो मेरा इजीली वन टैप लग गया। और हाँ, इस सिचुएशन के अंदर मैं यहाँ पे रोटेशन ड्रैग के अलावा स्ट्रेट ड्रैग या फिर अप एंड डाउन ड्रैग के अलावा भी और भी काफी सारे ड्रैग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके वन टैप मार सकता था, लेकिन मैंने इस सिचुएशन के अंदर क्यों रोटेशन ड्रैग का यूज किया ये मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताऊंगा, जो कि है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा ड्रैग को इस्तेमाल करना है। और हाँ, जिनको भी यहाँ पे एमिंग वगैरह के बारे में अच्छे से समझ नहीं आया, मतलब यहाँ पे पहले वाइट करना है उसके बाद रोटेशन ड्रैग करना है, अगर इनके बारे में आपको समझ नहीं आया है और यहाँ पे मुझे गाली देने का मन रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके तुम लोगों को ना ही अपने एम को यहाँ पे एनिमी से दूर वाइड करके रखना पड़ेगा, फिर भी तुम्हारा यहाँ पे वन टैप लगेगा। तो देखो, ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए जैसे ही तुम्हारा एनिमी बिल्कुल शॉर्ट रेंज के अंदर आ जाए, तो तुम्हें अपने एम को यहाँ पे एनिमी के बॉडी के ऊपर रख देना है। जैसे ही तुम्हारा एम यहाँ पे बॉडी के ऊपर आ जाए, सिंपली से तुम्हें अपने फायर बटन को नीचे की साइड ड्रैग करके ऊपर की साइड ड्रैग करना है, मतलब डाउन अप ड्रैग करना है। और जैसे ही तुम अपने एम को यहाँ पे एनिमी के बॉडी के ऊपर रख के डाउन अप ड्रैग करोगे, तुम्हारा बिल्कुल रेड नंबर लगने वाला है। तो आई होप कि आपको एमिंग वगैरह के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ गया। तो हाँ, अभी बात करें हमारे सेकंड पॉइंट ड्रैग के बारे में कि आपको किस सिचुएशन के अंदर कौन सा ड्रैग टेक्निक को इस्तेमाल करना है जिससे आपके सिर्फ और सिर्फ रेड नंबर ही पड़े। अब देखो, जब आप लोग एनिमी के सामने फास्ट गेम प्ले करते हो तो एनिमी आपके सामने आके खड़ा होकर तो नहीं बोलेगा ना, भाई ले मैं खड़ा हूँ मुझे मार ले हेडशॉट। उस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ड्रैग टेक्निक को यूज करना है, और यही तो प्रॉब्लम है कि मार्केट के अंदर अभी के टाइम पे बहुत सारे ड्रैग टेक्निक इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा ड्रैग टेक्निक इस्तेमाल करना है। इसीलिए आप इसको सिंपल वे में समझो, अगर आपका एनिमी यहाँ पे राइट साइड के अंदर है तो अपने एम को यहाँ पे वाइड करके यहाँ पे एनिमी से थोड़ा सा दूर रखना है और यहाँ पे रोटेशन ड्रैग का इस्तेमाल करना है। और अभी मुझे मत बोलना कि भाई रोटेशन ड्रैग नहीं आता, अगर रोटेशन ड्रैग तुम्हें नहीं आता तो भाई तुमने सिर्फ और सिर्फ अभी फ्री फायर खेलना शुरू किया है। और अभी देखो, अगर तुम्हारा एनिमी यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर है तो सिंपली से तुम्हें अपने एम को एनिमी से दूर वाइड करके रखना है और यहाँ पे रोटेशन ड्रैग का यूज करना है लेफ्ट साइड के अंदर। तो देखो, अभी बात करें हमारे थर्ड पॉइंट ड्रैग स्पीड के बारे में कि आपको कितना स्पीड से ड्रैग करना चाहिए जिससे आपका जो बुलेट है वो एनिमी के हेड के ऊपर जाके कनेक्ट हो जाए। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जिससे तुम्हें समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि तुम लोग इस क्लिप के अंदर देख सकते हो, मेरा जो एनिमी है वो यहाँ पे मेरे बहुत ज्यादा क्लोज रेंज के अंदर है, तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही स्पीड से ड्रैग किया। इसका मतलब ये है आपका जो एनिमी है वो यहाँ पे जितना ज्यादा क्लोज रेंज के अंदर होगा उतना ही फास्ट आपको यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका एनिमी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज रेंज के अंदर है और यहाँ पे आपने स्लो ड्रैग किया तो आपका जो बुलेट है वो एनिमी के हेड के ऊपर जाएगा ही नहीं। इसलिए हमेशा क्लोज रेंज के अंदर बहुत ही फास्ट एंड ऊपर की तरफ ड्रैग करना। तो हाँ, अभी बात करें हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है कॉन्फिडेंट, और ये जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पे गेम खेलता था और मुझे गेम प्ले के बारे में इतना भी सब कुछ पता नहीं था, और जब मेरे क्लोज रेंज के अंदर कोई भी एनिमी आता था तो मेरी हार्ट भी तेज हो जाती थी और मेरे हाथ भी कपने लगते थे जिसकी वजह से मैं अच्छा गेम प्ले नहीं दिखा पाता था, और मुझे यहाँ पे वन टैप मारना भी आता था लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था और मैं यहाँ पे डर जाता था और यहाँ पे मेरे वन टैप नहीं लगते थे और मैं पिटके आ जाता था। तो देखो, अपने कॉन्फिडेंट को हाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको डरना नहीं है, सामने वाला ओपोनेंट एनिमी चाहे राइस्टर क्यों ना हो जाए, बस यहाँ पे आपको डरना नहीं है। जैसे जैसे आपका गेम प्ले इंप्रूव होता रहेगा, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो भी बढ़ता रहेगा। इसलिए तो बोलता हूँ मुझे सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव हो जाएगा।
किया। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो हाँ गाइस, अगर आप भी इस बार के सीएस रैंक सीजन के अंदर मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर तक जाना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे चार बहुत ही इंपॉर्टेंट सीएस रैंक ग्लिच के बारे में बताया है, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग हर सीजन के अंदर मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर तक जा सकते हैं।